अच्छे खासे ये हॉस्टल टाइप यूनिवर्सिटी है ये तो, जो बर्बाद होने के बाद पॉपुलर हुई है। ओह माय गॉड, ये क्या है, इतने बैग वगैरह रख के योगा कर रही है ये शूटिंग। ओह माय गॉड, थक गए। ये है मोस्ट पॉपुलर 84 कुटिया द बीटल आश्रम। मैं तो फर्स्ट बार आई हूँ, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है इसका। इधर से ये स्ट्रीट है 84 कुटिया। ये कंप्लीट घना जंगल दार राजा जी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। ये है स्पेशल गेट, देखो छोटे 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 पत्थरों से ये बना रखा है। तीन दिन ये मेला सा लग रहा है, उधर आ रहे हैं सीएम। ये है टिकट राजा जी टाइगर रिजर्व में प्रवेश शुल्क। अच्छा द बीटल आश्रम है लेकिन एक तरह से प्रवेश मार्ग है राजा जी नेशनल पार्क का, और इसको कितनी दूर तक चलते रहो ये ऐसे ही है, क्योंकि जब फॉरनर है ना और जो इंडिया के गुरु होते थे वो इधर ही जंगल में रहते थे कुटिया बना बना के, इसलिए पॉपुलर है ये। और यहाँ पर अच्छे म्यूजिकल पार्टी थी वो, रॉक स्टार। ये द फेमस बीटल आश्रम। मैं तो बैठ गई, थक गई आते आते। ये देखो कैसे कुटिया बना रखी है, इनमें रहते थे बताओ, मेडिटेशन करते थे, स्पेशल मेडिटेशन करने के लिए इंडिया आए हैं, जंगलों में बैठने के लिए मेडिटेशन करने के लिए। दुनिया तो फॉरनर से आ रही है मेडिटेशन योगा करने के लिए, अपने इंडिया वाले घरों में पड़े हैं मस्त। कमाल है ये। This is meditation kutiya. I am very tired. Thak gayi bilkul chalte. घर से ड्राई फ्रूट लेके आई थी, वो खाती हूँ थोड़ी सी। वापसी 4 बजे तक आना है, ये तो बहुत जल्दी है, टाइम तो हो गया, पहले बताना था ये तो। मैं यहाँ बैठी हूँ आराम से, कुछ नहीं, वापसी पूछ रही थी कितने बजे आना है। लड़की है शायद, नाश्ती आ रही है मस्त। लाइक ग्रेट, अच्छा लगा मैम, गुड लाइक दिस इज लाइक, अच्छा। विच कंट्री आर? ऑस्ट्रिया। वेरी गुड ऑस्ट्रिया, ओके बाय, सो ब्यूटीफुल।
ऑस्ट्रिया से है ये, ऑस्ट्रिया वर्ल्ड में एक देश है ऑस्ट्रिया, उधर से ये टूरिस्ट। इतनी दूर दूर से भी घूमने आ रहे हैं। I'm from Austria, Austria पता नहीं, नहीं ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया 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 कंट्री। बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं सभी लोग एंट्री गेट पर, मर्जिंग टाइम हो चुका है, सभी लोग एंट्री गेट की तरफ चलते रहे। तरह से देखो कितनी मेडिटेशन के लिए, सिंपल बैठने के लिए बस मेडिटेशन करते थे। कमाल है भाई, इतनी ढेर सारी कुटिया बना रखी है इधर। कितने ही स्टूडेंट थे यहाँ पर, मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे, और ये एक बहुत ही बढ़िया आश्रम हुआ करता था। फिर ये क्या पता नहीं कैसी ये रन ही नहीं हुआ, फिर क्लोज हो गया। क्या क्या दिक्कत है, ये देखो कितने पुराने पुराने पेड़ हैं, वो देखो। कितनी सारी ढेर सारी कुटिया बना रखी है, पुराने पुराने पेड़ है, कितना अच्छा आश्रम हुआ करता था। चार बजे क्लोजिंग टाइम हो जाता है ये 84 कुटिया का, फिर यहाँ पर कोई नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर है ना शेर चीते हाथी आते रहते हैं, जानवरों का डर होता है, इसलिए इतनी जल्दी बंद करने का वो है रूल। ये देखो यार, ये तो बहुत ही बड़ा 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 आश्रम हुआ करता था, मैं तो इसको ऐसे ही नॉर्मल मान रही थी। काफी वेल डेवलप, बिल्कुल यूनिवर्सिटी की तरह आश्रम था ये, अभी देखने से पता चल रहा है, वीडियो में भी इतना पता नहीं चलता। देखो ये कितनी भव्य, कितनी विशाल बिल्डिंग बनाई हुई है उस जमाने में। इस तरह के घर और ये क्या कहते गवर्नमेंट ऑफिस, वो कुटिया, ये इतनी विशाल बिल्डिंग और चारों तरफ जंगली एरिया, पार्क, ये तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी ऐसा लग रहा है। जय महादेव की जय, भोले शंकर। कमाल है भाई, बड़ा ही बढ़िया ये तो, और इतने पुराने पुराने पेड़। अब तो ये खंडर में तब्दील हो रखा है, अब हो गया ये खंडर में चेंज। तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत फैल रहा है, मैं तो इसको छोटा मोटा मान रही थी, तभी इतना फेमस है। प्रेजेंट टाइम
अंदर में जितने भी लोग हैं सभी लोग एंट्री गेट की तरफ चलते रहे। इतनी वो नहीं है ये पुरानी वीडियो, ये पुराना आश्रम अभी 1976 में ही डेवलप हुआ है ज़्यादातर। देखो अगर यूज ही नहीं होगा तो ये खंडर ही होगा। ये देखो बिल्कुल उस ज़माने के पत्थर लगे हुए हैं, पहले लगते थे गांव में ऐसे तो पत्थर लग रहे हैं। ओ माय गॉड कैसा है ये, ऊपर फॉरनर वगैरह वाले खड़े हैं। चढ़ू क्या ऊपर, देख क्या हूँ ये इस तरह से है। हो हेलो हेलो हेलो, हाय हाय बीटल्स, हो भूत आ गया। जाते हैं ऊपर, फॉरनर वगैरह खड़े हुए हैं, इकट्ठे आ जाएंगे। हो हेलो, कोई है, कोई रहता है इधर फॉरनर 100 सालों से, 100 ईयर, 1000 ऋषि मुनि बाबा दादे, कौन रहता है इधर? हेलो हाय, ओ माय गॉड, अच्छी खासी ये हॉस्टल टाइप यूनिवर्सिटी है ये तो, जो बर्बाद होने के बाद पॉपुलर हुई है। ओ माय गॉड, ये क्या इतने बैग वगैरह रख रखे, योगा कर रही हैं ये शूटिंग। ओ माय गॉड थक गए। ये ऊपर का नजारा, ये टीचर है, ये कोई योगा इंस्टीट्यूट है, जो इधर योगा करवा रहे हैं, बिल्कुल बीटल आश्रम को फील करने। वो देख एंडी, अरे रे 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 वाह, कितने योगा में एक्सपर्ट हो रखे हैं, मस्त है बछोरी। D'énergie pour rentrer dedans. Ça va, c'est pas comme si on avait qu'un max matin. Alors, les deux fois par semaine, super. Je l'ai mis dans la pochette. Chacun embrasse son.
कंप्लीट बेचारी तैयारी की, इतनी तैयारी के बाद और इसको बीटल आश्रम को फील करते हुए पूरी योगा टीम आई हुई थी यहाँ पर। तपोवन में ही लग रही है, तपोवन में इधर तपोवन के किसी हॉस्टल के स्टूडेंट है ये जो योगा सीख रहे हैं। तो बीटल आश्रम में आके इधर योगा प्रैक्टिस करना, फिर योगा के लिए सूट करना और बीटल आश्रम को फील करना वो ज़्यादा उसको ज़्यादा फील करके, बीटल आश्रम को फील करके फिर है ये क्या हिल रहा है भाई, मिलती है, मैं भी जा रही हूँ। ओके देखो बाद में है ना, चेकिंग भी होती है, कोई रह ना जाए क्योंकि यहाँ जानवरों का ज्यादा डर रहता है ना, भूत भी रहते हैं इधर। तो मैप में देखते हैं ना तो ये कंप्लीट ही दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही आश्रम को बंद किया गया है, बहुत पहले बंद कर दिया था, 15 साल बंद रहा है ये। वैसे बना कब था, 1976 में? 1960 में, 1960 में मतलब लीज तो मिला था हमको। अच्छा, तो नेशनल पार्क में था ये, नेशनल पार्क बना बाद में। अच्छा, बाद में नेशनल पार्क डिसाइड हुआ था तो इसलिए ये बंद कर दिया फिर। ये तो यहाँ की मेहनत तो सारी खराब होगी जिन अपने यहाँ। ये लीज पे भी 20 साल के ही मिला था महर्षि योगी जी, महर्षि योगी उनको भी 20 साल के लीज पे ही मिला था ये जगह जो दी गई थी 20 साल के, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था उन्हें लीज पे। उस टाइम यूपी गवर्नमेंट के अंडर था ये सारा। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट वो था क्या, आश्रम गवर्नमेंट आश्रम था ये? आश्रम गवर्नमेंट नहीं था, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार थी। नहीं फिर आश्रम किसका था? आश्रम था एक महर्षि महेशोगी जी थे, इंडियन थे, उनका बनाया हुआ आश्रम था। महर्षि महेश योगी, अच्छा महर्षि महेश योगी का आश्रम था और लीज पे किसने ले रखा था? उन्होंने ही गवर्नमेंट से लीज पे लिया। अच्छा, गवर्नमेंट कोई चीज देते हो किसी से किराए पे, मुझे इतने साल के लिए किराए पे दे दो तो उसके बाद आप बना दो उसके अंदर कुछ भी दो। अच्छा, दाना तो मालिक तो वही होगा। अच्छा हाँ, गवर्नमेंट सरकार ही थी उत्तर प्रदेश की, घर का ही देते हो किराए पे तो वो कोई कुछ किराया। ठीक, समझ गई भाई, अब तो समझ गई। हाँ, मैं ये कह रही थी भाई ये तो ठीक नहीं किया, देखो थोड़ा सा पोर्शन था इसके चारों तरफ दीवार निकल जाती, ठीक बना हुआ था ये आश्रम। तो एरिया होते हैं नेशनल पार्क के, कुछ जोन बने होते हैं, कोर जोन, बफर जोन, तो कोर जोन एरिया है सारा। अच्छे भले फॉरनर आ रहे थे, वो तो अभी भी आ रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं थोड़े ही है, ये तो होंगे 4-5 हज़ार बस इतने ही है। लाखों में आए ना, लाखों में बढ़िया है, लाखों में, कई लाखों में यहाँ पर फिर अच्छा टूरिस्ट एरिया भी और भी डेवलप हो जाएगा। सरकार अभी धीरे धीरे, लोकल लोग तो इधर कम आए उतना बढ़िया है, टूरिस्ट एरिया ज़्यादा होना चाहिए ये। लोकल ना आए यहाँ के? नहीं, कम आए इधर। क्यों? मतलब आए? क्योंकि लोकल लोकल को तो यहीं रहना है, अपना रहेंगे अपने अपने घर घूम फिर के। अरे थोड़ा सा बाहर के लोग आए ना तो अच्छा लगता है, अपने देश का नाम भी तो होता है। हाँ, इंटरनेशनल है, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम होने लग रहा है इस बहाने। हाँ, G20 भी हुआ है। हाँ बढ़िया है, जय हो बीटल आश्रम की, जय हो महर्षि योगी की, जय हो बीटल आश्रम की। बहुत बड़ा आश्रम यूनिवर्सिटी टाइप बना रखा है, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, मस्त चीज़ बना रखी है, एक नंबर की। एक बार मन तो करता है इधर बैठ के थोड़ा सा योगा कर ले, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आधा आधा घंटा बैठे तो फ़ायदा, अभी तो बंद हो गया है ना। इस जगह पे बैठ के आराम से थोड़ा सा मेडिटेशन करे तो
बड़े अच्छे पक्षी बोल रहे हैं, ची ची बाय, जय हो पक्षियों की, जय हो सबकी, जय हो राजा नेशनल पार्क की, दादा टाइगर रिजर्व, द ग्रेट इंडियन टाइगर रिजर्व, एलिफेंट लेपर्ड, जय हो सबकी। इधर तो भाई महान महान लोग पैदा होते हैं और वो उनको भी बर्बाद कर देते हैं कोई ना कोई। इतना महान योगी ने जन्म लिया और इतना अच्छा बीटल आश्रम बनाया और फॉरेनर में पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल में नाम हुआ और ये उत्तर प्रदेश ने ये बर्बाद कर दिया। बोले ये राजा जी नेशनल पार्क के अंडर आता है, केवल एक ही किलोमीटर में तो फैल रखा ये। ओ इतने शहर कटे हुए हैं, देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश जंगल काट काट के सारे शहर बसे हुए, वो नहीं दिखाई देते। जहाँ पर अच्छा बढ़िया पॉजिटिव नाम हो रखा है उसको बर्बाद कर दिया। ये है मेंटलिटी। कोई ना, ये तो बर्बाद होके भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कोई रहा तो नहीं, सारे आ जाओ, टाइम इज क्लोज। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम। भाग दौड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। मैं आराम से जाती हूँ, क्या करना है, क्या पालेंगे और क्या खोलेंगे, यही रहा है सब कुछ। देखो ये सामने वाली सड़क ठीक करा दो, ये गलत बात है, मैं कंप्लेन कर दूंगी आपकी। आप अगर कंप्लेन 1 2 3 4 हमारे सारे आर्मी पुलिस में कंप्लेन करती हूँ। और क्या, मेरे 200 खर्च कर गए, बताओ। सड़क तो बड़ी मोटी हो, मैं गिर जाऊंगी कहीं सड़क पे। तो ये नहीं है दो सबके मिला के, मेरे थोड़ी लग रहे हैं। 200 में सड़क बनेगी अभी ये सारी मेरे, क्योंकि मैंने कंप्लेन की है, जो पहल करता है उसका ही। डोनेशन देना और रोड के नाम पे। डोनेशन देके तो ये सारा गवर्नमेंट एरिया के पास जाता है, गवर्नमेंट कहीं खर्च नहीं करती उसको, पता नहीं कौन सी पीढ़ी में जाके काम आएगा, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। ये फिर इस पीढ़ी में काम आएगा, ये जो चल रहे हैं ना ये लड़के 20-20 साल के, कोई कुछ नहीं करता, ऐसे ही ये काम आएंगे। है जानकी झूला और ये बिटला आश्रम से वापसी की सड़क परमार्थ निकेतन आश्रम की तरफ, जानकी झूला की तरफ। बस यहाँ पर ये स्ट्रीट ही बढ़िया नहीं बनी हुई, और तो ठीक है, आश्रम तो बहुत बढ़िया था भाई, एक नंबर का था। ये देखो भाई उत्तराखंड के सीएम का काफिला आ चुका है, शायद इसी हेलीकॉप्टर से आया होगा सीएम मुख्यमंत्री। ये इधर ये खड़े हैं पुलिस वाले, एक गाड़ी इधर खड़ी है पुलिस वालों की। भीड़ हो रही है जानकी झूला पे बिल्कुल ही। ये देखो सीएम की कितनी गाड़ियां खड़ी हैं सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए। दो जितना आया महान पॉपुलर आदमी, उसकी उतनी सिक्योरिटी चलती है। हेलो, जय हो सीएम उत्तराखंड की।
उत्तराखंड के सीएम की जय हो। इस तरह से आए, जय हो उत्तराखंड की, जय हो उत्तराखंड के सीएम की, भीड़ कर रखी है। मैं तो ये सामने मेले में जाती हूँ, ट्रेड फेयर देखते हैं बेचारे मेहनती लोगों की, जो मेहनत करते हैं अच्छे, अपने हाथ से आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप करते हैं। खड़ा नहीं होना भाई, खड़ा नहीं होना, चलते रहो। मेले में चलते हैं, कुछ ट्रेड फेयर और मेहनती लोगों की तारीफ करते हैं। मेले में जाना मुझे, ट्रेड फेयर में। अच्छा, कहाँ आए हुए हैं सीएम? इधर ही मेन, ये इधर ही जाने दो यार, देख लूंगी मैं तो, चंडीगढ़ से आई हूँ इस बार। नहीं कोई नहीं, थोड़ी देर में देख लेना, हैं सीएम साहब निकल जाएंगे फिर। नहीं मैं फिर आगे जाऊंगी, मेरी बस्ती में मैं यहाँ क्या करूंगी? रुक जाओगे, यहाँ से नीचे आ जाओगे। हो भाई सामने ये सारी नीलकंठ की भीड़ लग रही है मुझे, नीलकंठ मंदिर जाके आई है या फिर ये गंगा नदी नहा होगा या कोई मेला है या कुछ है या कोई ग्रुप आया हुआ है कि कुछ स्टेट से घूमने के लिए, क्या ये हो सकता है? पूछो कहाँ से आए हुए? अरे शोर शराबा ही बहुत हो रखा है। कहाँ से हो आप, कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश से। अच्छा, उत्तर प्रदेश नगरी से ये भक्तजन, जय हो भक्तजनों की, जय हो गंगा मैया की। युवान प्रस्थ आश्रम ये आ गया गीता के बाबा ना। ये वही आश्रम है, ये आ गया भाई गीता भवन आश्रम। इधर मैं काफ़ी बार रुकी हूँ, ये सामने डोरमेट्री सिस्टम है, नीचे आश्रम सामने मैं इधर रुकी हुई हूँ। अच्छा आश्रम है ये, बढ़िया। रूम तो पहले लेने पड़ते हैं, रूम के लिए तो देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इस जगह आके ये कॉल है, अगर कोई भी आके रुक जाए, थोड़ा सा एंट्री तो करनी पड़ती है, कभी कभी देर सवेर भी चल जाता है, एडजस्टमेंट हो जाती है। ये पूरा सत्संग हॉल, सुबह शाम सत्संग होता है इधर, लोग महीनों महीनों रूम लेते हैं इधर, और गंगा माँ की, गंगा माँ में ध्यान देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्संग सुनते हैं। ये देखो सारे राजस्थान के लग रहे हैं, ये राजस्थान के भक्त जन। जय हो गीता भवन आश्रम की, जय हो, जय हो गीता भवन आश्रम की। यहाँ पर इतने भक्तजन आके अपना ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक रेस्ट स्टे है। अच्छा, चलो भाई गीता भवन आश्रम के सामने से गंगा नदी के दर्शन करो। जय गंगे मैया, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय गंगे मैया, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, गंगे मैया की जय हो, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय हो। कहाँ पे हो, कहाँ पे हो? कहाँ से? इधर नीचे से रास्ता साथ ले जाएंगे आप।
अच्छा चलो चलते हैं। चलो भैया एंट्री देखते हैं, एंट्री होगी या नहीं होगी, रिक्वेस्ट तो की है मैंने, मैडम लेके जाएगी, देख लेते हैं। आटे मौके पे सीएम का प्रोग्राम भी, मेला तो घूमना ही था। अब दिखा रहे हैं मैडम, है ना? मैंने पुलिस वाले से पूछा, हाँ बेटा हाँ रुको, नहीं एक मिनट सुनो, रुको एक बार। हाँ मैंने पुलिस वालों से पूछा कि क्या प्रोग्राम चल रहा है, बोला मैम हमें नहीं पता, हमें तो ये बोल देते हैं फलानी जगह ड्यूटी है, वहाँ गोद चलो। हाँ मेला देख लिया? हाँ नहीं मेला तो मैं देखूँगी, आप प्रोग्राम बढ़िया देखा, थैंक यू वेलकम। ये मेले में है, ये है ग्रामीण उद्योग परियोजना, इसमें ये दालें रखी हुई है, हल्दी वगैरह प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें रखी है, ये महिला सशक्तिकरण, खजूर बेस्ट खरूर खजूर और घर के बनाए हुए आइटम है, इधर मैं खरीदती हूँ यार, हर किसी से कुछ ना कुछ खरीदती हूँ यार, मुझे भूख लग रही है, क्या खरीदूँ, क्या खाना आपको खिलाऊं कुछ? पुलिस वालों ने हेल्प की है, वहाँ कुछ खिलाना है क्या? ये बनाना पीस है, ये ले लेती, चले गए बेचारे ड्यूटी पे। थैंक यू मैम, इतना ही कह दिया वही काफ़ी है। ये है ऑर्गेनिक बिल्कुल शुद्ध चावल और दालें, मीट मसाले, ये कौन सी पार्टी है भाई? यहाँ क्या प्रोग्राम था, ये क्या डिस्कशन चल रही थी, किसकी डिस्कशन थी? रहने का तो सर, रहने का प्योर राजमा उत्तराखंड का, बहुत बढ़िया है भाई, एक नंबर का मज़ेदार चीज़ है ये, टंगे हुए एक बार तो मैं बनाती हूँ थोड़ी सी वीडियो और फिर करती हूँ खरीदारी।